सिर्फ शादीशुदा ही इस वीडियो को देखें अगर आप गैर शादीशुदा हैं, तो अभी इस वीडियो को बंद कर कर चले जाएं क्योंकि ये वीडियो गैर शादीशुदा शुदा अफराद के लिए हरगिज नहीं है क्योंकि आज की वीडियो में आपको मर्दों के लिए टाइमिंग और ताकत का नंबर वन नुस्खा बताने जा रहे हैं सिर्फ तीन चीजों से ये नुस्खा तैयार होता है लेकिन इससे ज्यादा बेहतरीन और कोई नुस्खा नहीं है मर्दों के लिए तो चले फिर नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं बस ये तीन चीजें आपके सामने हैं जो कि आपको नुस्खे को बनाने के लिए चाहिए सबसे पहले हमने सात अदद बादाम ले लिए हैं और इनको हमने सबसे पहले ग्रैंड कर लेना है और इनका पाउडर तैयार कर लेना है जितनी देर में आपने पाउडर तैयार करना है उतनी देर में आपने एक बर्तन ले लेना है और बर्तन में आपने जो एक कप हमने दूध लिया है उसको डाल देना है और दूध को गर्म होने के लिए रख देना है दूध तकरीबन आपने एक कप भी लेना है इसमें एक गिलास लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल आपने तमाम चीजें उसी क्वांटिटी में लेनी जिसमें बताई जाए साथ बदामों का हमने पाउडर बना लिया था और अब दूध में हमने बदामों का पाउडर शामिल कर दिया और ये आप देख सकते हैं ये अफसली ज़ाफरान है ये आप चाहें तो कश्मीरी ज़ाफरान भी ले सकते हैं चाहें तो ईरानी ले सकते हैं ईरानी सबसे बेहतरीन है और ये आप देख सकते हैं कि हमने जाफरान की कितनी सिर्फ तीन या चार डंडियां ली हैं। बस इतनी आपने लेनी है जाफरान की यही मिकदार होती है ना इससे कम लेनी है और ही इससे ज्यादा लेनी है और असली ज़ाफ़रान की पहचान भी देख लें कि हमने है एकदम से ज़ाफ़रान ने कलर नहीं छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता यह कलर छोड़ेगा इसलिए आपने ये नुस्खा तैयार कैसे करना है उसको जरा गौर से देख लीजियेगा क्योंकि ऐसे ही आपने तैयार करना है आग हमने बिल्कुल हल्की कर दी है और जाफरान आप देख रहे हैं कि जहां जहां जाफरान की डंडिया मौजूद है हल्का हल्का वहां से दूध का कलर चेंज हो रहा है जैसा कि मैंने बताया कि असली जाफरान ऐसे ही कलर चेंज करता है और ये आप ऊपर भी देख सकते हैं कि लाल लाल हल्की हल्की बलाई आ रही है आग बिल्कुल आहिस्ता रखी हुई है और आपने इस नुस्खे को इतना पकाना है कि जो एक कप दूध था वो आधा कप रह जाए तब ये नुस्खा तैयार होगा और इसी तरह आपने तैयार करना है आग आपने ज्यादा तेज नहीं छोड़नी अगर आप ज्यादा आग तेज छोड़ देंगे तब भी ये नुस्खा अपना असर खो देगा और इस तरह आपने हल्की हल्की ऊपर बुलाई आती रहे इतनी आग हो कि ना तो ये दूध उछल कर बाहर निकल आए और ना ही जो है वो इतनी आग हल्की हो कि बिल्कुल पक्की ना इतनी आग आपने रखनी है और ये माशाल्लाह से बस तकरीबन तकरीबन ये नुस्खा तैयार हो चुका है और आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जरा सुन लीजिएगा क्योंकि अगर नुस्खा आपने ठीक बना लिया लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला क्योंकि जितना नुस्खा ठीक तरह से बनाना जरूरी होता है उतना ही नुस्खे को ठीक तरीके से और ठीक वक्त पर इस्तेमाल करना भी जरूरी है तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो एक कप दूध था वो तकरीबन आधा कप इस मौके पर रह चुका है और अब हम आग को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा जो है वो नीम गर्म होने देंगे और तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अब आपने इसको इस्तेमाल किस वक्त करना है और कैसे करना है वो भी नोट फरमा लें माशाला से जो महक है इसकी वो बहुत जबरदस्त आ रही है इस नुस्खे को आपने रात के खाने के दो घंटे बाद तक हरगिज इस्तेमाल नहीं करना कम अज कम आपने दो घंटे गुजर जाने देने हैं रात के खाने के बाद और उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है दो से ढाई घंटे बाद इस्तेमाल करें और बस फिर देखें जो ये नुस्खा कमाल करेगा आप खुद दुआएं देंगे कि वाकई किसी ने कोई नुस्खा बताया था पूरे यकीन से इस नुस्खे को इस्तेमाल करें क्योंकि ये नंबर वन हकीम लुकमान का नुस्खा है मजीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये नुस्खा पसंद आया तो कमेंट्स में माशाला सुबहानला जरूर लिखिएगा